राजनीति में। देश भर में 2 अक्टूबर को जब गांधी जयंती मनाई जा रही है, तो सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी की जयंती के इस मौके पर लगातार बढ़ती रेप की वारदात और महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के खिलाफ भी आवाज उठाई जा रही है। इसकी पहल खुद नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी ने। बच्चों के अधिकार के लिए आवाज उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी ने इस बार देश भर में तेजी से बढ़ रही बलात्कार की घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उपवास का तरीका अपनाया। कैलाश सत्यार्थी ने ट्वीट कर बताया, हमारी बेटियों पर लगातार हो रही हिंसा और बलात्कार असहनीय है। मैं आज उपवास और ध्यान करते हुए परमात्मा से प्रार्थना कर रहा कि हिंसा और किसी भी रूप में उसका समर्थन करने वालों को सद्बुद्धि और हमें अपनी बेटियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए आत्मबल दे। ओम शांति। बेटियों के साथ हो रहे अपराध के खिलाफ एक दिन का उपवास रखने वाले कैलाश सत्यार्थी की इस पहल पर ट्विटर यूजर मनोज कुमार ने लिखा, नारियों पर जुल्म करने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए और नारियों को न्याय दिलाने वालों का सहयोग करना चाहिए, हम आपके साथ। ट्विटर यूजर देशराज सिंह ने लिखा, बेटियों को न्याय दिलवाने के इस संघर्ष में हम आपके साथ। रहीश नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, आज आदरणीय भाई साहब जी के साथ मैं भी उपवास पर हूँ। बलात्कारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें। इन पिशाचों का साथ देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना करने वाले मध्य प्रदेश के कैलाश सत्यार्थी अब तक दुनिया भर के 144 देशों में 83,000 से भी ज्यादा बच्चों के अधिकारों की रक्षा कर चुके हैं। बच्चों के लिए किए गए इसी काम की वजह से कैलाश सत्यार्थी को साल 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बच्चों के साथ साथ वो बलात्कार पीड़िताओं के लिए भी आवाज उठाते रहे। पिछले साल जब हैदराबाद की बेटी प्रियंका रेड्डी को जिंदा जलाए जाने की खबरें आई थी, तो उन्होंने यौन शोषण और बलात्कार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करने वाली एक कविता भी लिखी थी, जिसकी कुछ पंक्तियां हैं, आओ चले अब चुप्पी तोड़े, चलो हवाओं का रुख मोड़े, गूंगे कब तक बने रहेंगे, कब तक बने रहेंगे बहरे, हम दो आंखों वाले अंधे, भीड़ भाड़ के नकली चेहरे, छोड़े अब पाखंड साथियों, आओ खुद को खुद से जोड़े, आओ चले अब चुप्पी तोड़े।